सो हे गाइस, फिर से वेलकम बैक टू टीचर चैनल सोशल मीडिया या टीचर। सो गाइस, मैं आपको आज बताऊंगा कि आखिर आप अपने स्नैपचैट में अपने फ्रेंड के साथ कैसे सही ढंग से चैट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, आपको यहाँ पर स्नैपचैट पे अलग अलग यहाँ पर स्नैप्स देखने को मिलता है, जैसे कि हो गया यहाँ पर पर्पल स्नैप, रेड स्नैप और यहाँ पर हो गया ब्लू स्नैप। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर इन स्नैप्स का आखिर मीनिंग क्या होता है, जो कि आपको यहाँ पर अलग अलग कलर्स में यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर आज स्नैपचैट में चैट सेक्शन की सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, जिसका यूज़ करके आप यहाँ पर अपने स्नैपचैट में अपनी चैटिंग को यहाँ पर और भी अमेजिंग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो यहाँ पर स्नैपचैट में चैट सेक्शन का फुल ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आपको यहाँ पर आज स्नैपचैट के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर यहाँ पर जो आपको अलग अलग कलर्स के यहाँ पर स्नैप्स देखने को मिलता है, जैसे कि हो गया यहाँ पर आपका पर्पल स्नैप, ब्लू स्नैप और रेड स्नैप, उनका आखिर मीनिंग क्या होता है। इसके अलावा गाइस, आपको यहाँ पर स्नैपचैट में कुछ इंपॉर्टेंट साइंस देखने को भी मिलता है, जिनके बारे में आपको इस टाइम बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ यहाँ पर स्नैपचैट के कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर यहाँ पर सेंट आइकन्स होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी कोई भी स्नैप या फिर अपना चैट अपने फ्रेंड को सेंड करते हैं, तो उस टाइम जो आपको साइन देखने को मिलता है, उसका मतलब होता है सेंट आइकन्स। तो गाइस, आप यहाँ पर जब भी अपने किसी फ्रेंड को यहाँ पर स्नैप सेंड करते हैं विदाउट यहाँ पर ऑडियो, जिसमें आवाज़ नहीं होती है, तो आपको यहाँ पर रेड कलर का यहाँ पर साइन देखने को मिलता है, यहाँ पर ट्रायंगल टाइप का। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर अपने फ्रेंड को यहाँ पर स्नैप सेंड करते हैं और इसमें ऑडियो भी होता है, तो आपको यहाँ पर्पल कलर का स्नैप देखने को मिलता है, यानी कि साइन जो कि आपको यहाँ पर्पल कलर का दिख रहा होगा सेकंड नंबर पे। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर अपने फ्रेंड को किसी फ्रेंड को कोई चैट सेंड करते हैं, तो आपको यहाँ पर ब्लू कलर का स्नैप देखने को मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर साइन देखने को मिल रहा है ब्लू कलर का। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर अपने किसी भी गैलरी से कोई भी यहाँ पर फोटो या फिर वीडियो सेंड करते हैं अपने फ्रेंड को, तो भी आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का साइन देखने को ही मिलेगा, वो आपका चैट में काउंट होगा, ना कि आपका यहाँ पर स्नैप में। इसके अलावा गाइस, आपको यहाँ पर अगर ग्रे कलर का यहाँ पर साइन देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके यहाँ पर अपने फ्रेंड के यहाँ पर प्राइवेसी पे डिपेंड करता है, कि उसने यहाँ पर आपके अकाउंट पे क्या क्या प्राइवेसी लगा के रखी है और यहाँ पर अपने अकाउंट में क्या क्या सेटिंग्स बना के रखी है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सेकंड में दिख रहा होगा ओपन आइकन्स। तो मैं आपको बता दूं कि आप जैसे ही अपने किसी फ्रेंड के यहाँ पर अपना स्नैपचैट या फिर कुछ भी सेंड कर देते हैं, तब फ्रेंड आपका जब भी ओपन करता है उस चीज़ को, तो आपको यहाँ पर अपने स्नैपचैट के चैट में आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का साइंस देखने को मिलता है। तो गाइस, आप जब सेंड करते हैं, तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में सेंड आइकन्स कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, लेकिन जैसे आपका यहाँ पर फ्रेंड भेजे गए स्नैप या फिर मैसेज को ओपन कर लेता है, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का साइन देखने को मिलता है अपने स्नैपचैट अकाउंट में। तो गाइस, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर अपने स्नैपचैट के अकाउंट में यहाँ पर थोड़े साइंस दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के यहाँ पर साइंस देखने को मिल रहा है, तो इसका मीनिंग भी कुछ ऐसा ही है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर वापस से इस वाले पेज पर आ जाते हैं। तो गाइस, आपको यहाँ पर थर्ड नंबर पर दिख रहा है रिसीव्ड आइकन्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँगी, ये साइन आपको यहाँ पर तब देखने को मिलता है जब आपके यहाँ पर आपका फ्रेंड आपको यहाँ पर कोई मैसेज सेंड करे या फिर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का यहाँ पर स्नैप सेंड करे, तब आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का यहाँ पर तीन साइंस देखने को मिलता है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में बताया था। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें दिख रहे हैं यहाँ पर पर्पल स्नैप, ब्लू स्नैप और रेड स्नैप, तो इसका मीनिंग ये होता है। स्टार्टिंग में ये बता दिया था कि अगर आपका यहाँ पर फ्रेंड आपको यहाँ पर कोई स्नैप सेंड करता है जिसमें यहाँ पर मतलब ऑडियो नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर कुछ रेड कलर का यहाँ पर इस तरह का साइन देखने को मिलता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको अपने चैट में दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर का साइन, तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर अब किसी मेरे फ्रेंड ने स्नैप सेंड किया, उसमें ऑडियो नहीं है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो इस तरह का यहाँ पर कुछ दिख रहा है मुझे, तो मैं एक और रेड कलर का ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस, इसका मीनिंग यहाँ पर कुछ इस तरह का दिख रहा है हमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सेकंड वाला दिख रहा है यहाँ पर पर्पल कलर वाला यहाँ पर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि उसमें ऑडियो होगा और ये वो स्नैप है जो कि आपके फ्रेंड ने मतलब सेंड किया है आपको। इसके बाद गाइस, आपका यहाँ पर थर्ड में दिखता है यहाँ पर ब्लू कलर वाला यहाँ पर चैट वाला। तो मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ पर जब भी कोई फ्रेंड आपको यहाँ पर मतलब चैट सेंड करता है, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का ही साइन देखने को मिलता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ये रहा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह का हमें दिख रहा है। तो हमारा जब भी फ्रेंड हमें मैसेज सेंड करता है, तो हमें कुछ इस तरह का यहाँ पर साइन देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मैसेज। तो फ्रेंड्स, आप इस बात का ध्यान रखें और इन साइंस को आप जरूर समझें अपने स्नैपचैट में। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर व्यूड आइकन्स के बारे में। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर जब भी अपने फ्रेंड को यहाँ पर कोई भी स्नैप सेंड करते हैं, चाहे वो हो जाए आपका यहाँ पर रेड स्नैप, पर्पल स्नैप या फिर कोई मैसेज हो, तो वो जैसे ओपन कर लेता है, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का साइंस देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपको जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आइकन्स दिखते हैं, उनका मीनिंग ये होता है कि अगर उस आपके फ्रेंड ने मतलब अपने स्नैपचैट में आपके यहाँ पर स्नैप का यहाँ पर फोटो ले लिया हो या फिर आपके यहाँ पर चैट का फोटो ले लिया हो,
तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। अगर आपके स्नैप का फोटो लिया होगा तो आपको यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड में इस तरह का यहाँ पर साइन देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपका चैट का फोटो लिया होगा तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का साइन देखने को मिलता है ब्लू कलर में। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलता है रिप्लाई आइकन्स, तो आप यहाँ पर्सनल लिखा योर स्नैप सेंड विदाउट ऑडियो हैज बिन रिप्लाई, यानी कि आप जब भी अपने फ्रेंड को यहाँ पर मतलब कि स्नैप सेंड करते हैं तो अगर उसका रिप्लाई आता है तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का साइन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्नैपचैट में जो भी इंपॉर्टेंट साइंस थे उन सब के बारे में मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया है। तो फ्रेंड्स आप इन सारे साइंस को अच्छे से यहाँ पर समझ ले और अच्छे से याद रखें अपने स्नैपचैट में। तो गाइस हम यहाँ पर कुछ स्नैपचैट के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं जिनका यूज़ करके आप यहाँ पर अपने स्नैपचैट चैटिंग को और भी यहाँ पर ऑसम बना सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर जैसे चला जाता हूँ अपने किसी फ्रेंड में, तो गाइस यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर अपने फ्रेंड के यहाँ पर चैट में आते हैं तो आपको यहाँ पर इसके बाद अपने फ्रेंड के यहाँ पर प्रोफाइल में चले जाना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर राइट साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है, तो आप से थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ले। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है यहाँ पर क्लियर कन्वर्जेशन फिफ्थ नंबर पे। तो मैं आपको बता दूं कि आप जैसे ही वाले ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो इससे होगा ये कि आपने यहाँ पर जो भी चैट किया है अपने फ्रेंड से वो सारा का सारा यहाँ पर जितना भी डिटेल था वो सारा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डिलीट चैट्स, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो यहाँ पर डिलीट चैट मिलता है उसमें आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, पहला है आफ्टर व्यूइंग एंड सेकंड ऑप्शन मिलता है 24 आवर्स आफ्टर व्यूइंग। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप आफ्टर व्यूइंग वाले ऑप्शन को मतलब अनेबल करके रखते हैं तो गाइस इससे होगा ये कि जैसे मैं अपने किसी फ्रेंड को यहाँ पर मैसेज सेंड करता हूँ हेलो, तो गाइस इससे होगा ये कि जैसे वो पर्सन मेरे मैसेज को इस टाइम पढ़ लेता है वैसे ही ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, और जैसे मैं उसका मैसेज को मतलब पढ़ लेता हूँ वैसे ही ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो गाइस इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इसको 24 आवर्स के लिए मतलब अनेबल करके रखें, तो इससे होगा ये कि हमारा जो मैसेज रहेगा वो 24 आवर्स के बाद ही यहाँ पर मतलब डिलीट होगा। तो आप इस बात का ध्यान रख ले और आप अपने हिसाब से मतलब प्राइवेसी के हिसाब से इसको अनेबल करके रख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मैसेज नोटिफिकेशंस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको मतलब साइलेंट करके रखते हैं तो इससे होगा ये कि आपका फ्रेंड यहाँ पर जो भी मैसेज आपको सेंड करेगा वो आपको यहाँ पर नहीं मतलब पता लगेगा और ना ही आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो आप भी यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है म्यूट गेम एंड मिनी नोटिफिकेशंस, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप ये वाला ऑप्शन को म्यूट करके रखते हैं तो इससे ना ही आपका फ्रेंड आपको मतलब किसी भी गेम प्ले करने के लिए यहाँ पर इनवाइट कर पाएगा, जो कि मैं आपको यहाँ पर आगे यार बताता हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ कि आखिर आप यहाँ पर अपने किसी फ्रेंड के साथ कैसे चैट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने किसी फ्रेंड का यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर स्नैपचैट में चैट सेक्शन। उसके गाइस यहाँ पर आपको नॉर्मल जैसे ही आप मैसेज सेंड करते हैं तो आपको यहाँ पर कर लेना है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप अलग अलग स्टिकर्स अपने फ्रेंड को यहाँ पर सेंड करना चाहते हैं आपकी ही बिटमोजी का, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, तो मैं क्लिक करता हूँ वाला ऑप्शन पे। तो गाइस आप जैसे ही वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर स्टिकर्स देखने को मिलता है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि आप जो भी मैसेज अपने फ्रेंड को सेंड करते हैं उसके हिसाब से सारे के सारे स्टिकर चेंज हो जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ घोस्ट। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर स्टिकर होगा वो भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी अपने फ्रेंड को यहाँ मैसेज सेंड करते हैं तो आपके मैसेज के हिसाब से आपका सारा का सारा यहाँ पर बिटमोजी और सारा यहाँ पर स्टिकर भी चेंज हो जाता है, तो आप इसका जरूर यूज़ करें अपने स्नैपचैट में। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर अपने फ्रेंड के यहाँ वॉइस मैसेज सेंड करना है तो आपको यहाँ पर ये फीचर भी मिलता है, आप इसको भी मतलब यूज़ कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर टैप करके रखना है और आपको यहाँ पर मतलब रिलीज़ कर देना है, वैसे आपका यहाँ पर जो भी वॉइस मैसेज होगा वो आपको सेंड हो जाएगा आपके फ्रेंड को। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर अपने गैलरी से अपने फ्रेंड को यहाँ पर कोई फोटो सेंड करना है तो आपको यहाँ पर स्टिकर के यहाँ पर मतलब राइट साइड में ऑप्शन मिलता है यहाँ पर फोटो टाइप का, तो आप ये वाला ऑप्शन को यूज़ करके अपने किसी फ्रेंड को यहाँ पर अपनी गैलरी का कोई भी वीडियो या फिर फोटो भी सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर कोई भी गेम प्ले करना चाहते हैं स्नैपचैट का, तो आपको यहाँ पर लास्ट में जो ऑप्शन मिलता है रॉकेट टाइप वाला, तो आप ये वाला ऑप्शन पर क्लिक कर ले। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि स्नैपचैट में आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप का गेम प्ले करने का भी मौका मिलता है, तो आप यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर गेम प्ले कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपका फ्रेंड इस टाइम मतलब ऑनलाइन रहना चाहिए, तभी आप गेम में मतलब प्ले कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर अपने किसी फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो गाइस आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है वीडियो कॉल का भी और यहाँ पर वॉइस कॉल का भी, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ऊपर ये ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ पर राइट साइड में वीडियो कॉल का एंड वॉइस कॉल का, तो आप यहाँ पर जरूर ट्राई करें अपने किसी फ्रेंड के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्नैपचैट में जो भी यहाँ पर चैट से रिलेटेड सेटिंग्स थी और यहाँ पर जो भी आपको मतलब टिप्स थी उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है।
इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपने स्नैपचैट में अलग अलग तरह के इमोजीज देखने को मिलता है अपने फ्रेंड्स के यहाँ पर चैट के आगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक पे भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया कि आखिर इन इमोजीज का आखिर मीनिंग क्या होता है और आखिर अपने फ्रेंड्स के यहाँ पर मतलब नेम के आगे आखिर ये इमोजीज आते क्यों हैं और आखिर आप इनको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको भी ये वीडियो देखना है तो आप आई वाले ऑप्शन में जाके इस वीडियो को जरूर देखें जिसमें आपको मतलब सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इसमें। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा गाइस आप चाहें मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस गुड डे।